सूक्ष्म लघु उद्योग के महत्व को कैसे मोदी सरकार ने जानकर शानदार कार्यक्रम उस काम उस पर किया है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम हो, क्रेडिट गारंटी स्कीम हो, रैंप जैसी योजनाएं हो, या क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, या टेक्नोलॉजी के पार्क बनाने की बात हो, हर तरफ। और जो क्रेडिट लिंकेज की बात थी वो भी कई गुना ज़्यादा पहले से बढ़ाया है, जिसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। क्योंकि सूक्ष्म लघु उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रोजगार का सृजन भी होता है। मेरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष ये है कि पिछले 20 साल का अगर हम आंकड़ा लें, यूपीए की सरकार के 10 साल और एनडीए की सरकार के 10 साल, इसमें आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में सरकारों का क्या योगदान रहा, क्या आंकड़े वो आप बता सकते हैं? और अगले 10 साल के लिए इस सरकार की क्या पॉलिसी है कि कितने रोजगार सृजन इस क्षेत्र में होंगे और आर्थिक विकास में कितना योगदान एमएसएमई सेक्टर का होगा? महोदय, हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय सदस्य का कि जो हमारे विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी उन्होंने प्रशंसा की। वैसे इनका जो जवाब था, प्रश्न था, उस प्रश्न के संदर्भ में हम लोगों ने सारे आंकड़े दे दिए हैं। अब एनडीए काल में और यूपीए काल में क्या प्रगति हुई है उसके बारे में अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसको हम माननीय सदस्य को बाद में अवेलेबल करा देंगे। लेकिन लेकिन प्रश्न है, प्रश्न में प्रमुख चीज़ें हैं जो आज देश के सामने है और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत तवज्जो दिया है, वो है। और इसमें भी इन्होंने लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि महिलाओं के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कर रहे हैं, और महिला और यूथ के बारे में विशेष हम लोग भी चिंतित हैं। तो महिलाओं के बारे में जो खास करके इन्होंने हमीरपुर जिला के बारे में और देश के महिलाओं को उद्यमियों सहित एमएसएमई की सहायता प्रदान करने के संबंध में बातें की है, उसमें हम लोगों ने कई एक काम किया है। सबसे पहले क्रेडिट गारंटी स्कीम हम लोग चलाए हैं, जिसमें सूक्ष्म लघु उद्योगों क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के लोगों को ऋण 85% की गारंटी तक कवरेज करते हैं। और उसमें जहाँ तक आता है एमएससी में 500 लाख रुपए का सीमा को कलेक्टरल मुक्त ऋण कर दिया गया है। उसी प्रकार से दूसरा है कि आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 550 हज़ार करोड़ रुपया का इक्विटी समावेशन भी हम लोगों ने इन लोगों के लिए किया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एमएससीएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड इन्हीं लोगों के किया है। व्यवसाय की सुगमता के लिए उद्यम पंजीकरण के माध्यम से एमएसएमई के नए सिरे से पंजीकरण किया है। और सर, 200 करोड़ रुपया के खरीद के लिए कोई भी वैश्विक निविदा नहीं होगी, खास करके महिलाओं के लिए सर एक बहुत बड़ी बात ही है सर। उसी प्रकार से दिनांक 2/7/2021 से खुदरा और थोक व्यापारों में एमएसएमई के रूप में समावेशन किया गया है। कहने का मतलब महिलाओं का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रोजगार के संबंध में हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। और जो इनका मूल प्रश्न है कि एनडीए और यूपीओ में क्या क्या फर्क हुआ है काम का, उनको हम बाद में पटल में या माननीय सदस्य को दे देंगे। माननीय सदस्य सर्वमंत्री, वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now